हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाइनरी एडिशन देखेंगे, यानी बाइनरी नंबर का एडिशन देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली हमको काम आता है, तो यहाँ पे हम बाइनरी एडिशन को समझते हैं। तो इसमें हमको रूल्स देखने, चार रूल हमको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल रूल है और इन चार रूल के हेल्प से आप कोई सा भी बाइनरी नंबर, कितना भी बड़ा, उसको ऐड कर पाएंगे। तो देखिए, पहला रूल होता है 0 + 0 = 0। ओके, जैसा हमारा डेसिमल में होता है ना 0 + 0, वैसे ही बाइनरी में हमको पता है दो ही डिजिट होते हैं, दो ही बिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। तो यहाँ पे सिमिलर है, देखिए 0 + 0 = 0 आएगा। सेकंड रूल, 0 + 1 = 1 आएगा। 1 + 0, ये भी 1 ही होता है, हमको पता है। अब ये वाला रूल थोड़ा समझने वाला है। देखिए 1 + 1, यहाँ पे आंसर है 10। ओके, तो जो हमारा डेसिमल का 2 होता है वो बाइनरी में 10 से लिखाता है। लेकिन इसको लिखना कैसे, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 1 + 1 = 0, यहाँ पे सम पे 0 रखना, कैरी पे आया 1। ओके, 1 + 1 = 0, कैरी 1, तो टोटल हो गया ये 10। ये वाला जो रूल है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल से अपन चलते हैं। दो बाइनरी नंबर है, एक है 01101 और एक है 10110। इन दोनों को ऐड करते हैं और समझते हैं बहुत ही ईजी तरीके से इन्हीं रूल को अप्लाई करके। देखिए 1 + 0, हमको पता है, ऊपर देखा ही था हमने, 1 आता है। 0 + 1 भी 1 ही आता है। अब ये वाला रूल फोर्थ वाला है फॉलो होगा। 1 + 1 क्या होता है, 0। 1 + 1 होता है एक्चुअली 0 और कैरी पे जाता है 1, ठीक है। यहाँ कैरी पे 1 चला गया। अब यहाँ पे इसको तीन चीज़ों को हमको ऐड करना है, तो 1 + 1 क्या आया, 10, और 10 1 + 1 क्या आया, 10, और 10 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख दिया हमने और कैरी पे चला गया है हमारा 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आया, 1 + 0 = 1 और 1 + 1 = 0 कैरी 1। फिर से बताता हूँ, 1 + 0 क्या आया हमारा, 1, और 1 + 1 मतलब ये वाली कंडीशन लगी, 0 कैरी 1, तो टोटल आंसर आ गया 10001 1। ओके, तो ये था बाइनरी एडिशन। इस तरीके से आप किन्हीं भी बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं।